अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों अमेरिका की राजकीय यात्रा पर हैं। अमेरिका की अपनी राजकीय यात्रा के दूसरे दिन पीएम मोदी आज गुरुवार वाशिंगटन डीसी के व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान दोनों नेता एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला के निर्माण की बाधाओं को दूर करने के लिए दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। पीएम मोदी का व्हाइट हाउस में किया जाएगा औपचारिक स्वागत। वहीं पीएम मोदी का व्हाइट हाउस में औपचारिक स्वागत किया जाएगा। द्विपक्षीय वार्ता के पश्चात पीएम मोदी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष केविन मेकार्थी और सीनेट के बहुमत नेता चार्ल्स श्यूमर सहित कांग्रेस नेताओं के निमंत्रण पर अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। याद हो कि पीएम मोदी ने पहली बार 2016 में अपनी यात्रा के दौरान अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया था। वह पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे जिन्हें दो बार यह सम्मान दिया जाएगा। इस दिन का समापन पीएम मोदी के सम्मान में राजकीय रात्रि भोज के साथ होगा। रात्रि भोज में अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों, राजनयिकों और अन्य हस्तियों सहित सम्मानित अतिथि शामिल होंगे। इससे पहले कल रात राष्ट्रपति जो बाइडेन और अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन ने व्हाइट हाउस में एक निजी रात्रि भोज के लिए प्रधानमंत्री मोदी की मेजबानी की। राष्ट्रपति बाइडेन ने प्रथम महिला के साथ राष्ट्रपति भवन में पीएम मोदी का स्वागत किया। मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने राष्ट्रपति बाइडेन और प्रथम महिला को विशेष उपहार भेंट की। प्रमुख अमेरिकी कंपनियों के सीईओ के साथ भी बैठकें। इससे पहले पीएम मोदी ने माइक्रॉन टेक्नोलॉजी, जनरल इलेक्ट्रिक और जनरल इलेक्ट्रिक एयरोस्पेस और अप्लाइड मटेरियल सहित प्रमुख अमेरिकी कंपनियों के सीईओ के साथ अलग अलग बैठकें की। उन्होंने उन्हें भारत में विनिर्माण में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। नेशनल साइंस फाउंडेशन का किया दौरा। इसके अलावा पीएम मोदी और अमेरिका की प्रथम महिला ने वर्जीनिया के अलेक्जेंड्रिया में नेशनल साइंस फाउंडेशन का भी दौरा किया। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के छात्रों से मुलाकात, जो दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण उद्योगों में सफल होने के लिए कौशल सीख रहे हैं। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि विकास की गति को बनाए रखने के लिए भारत और अमेरिका को प्रतिभा की एक पाइपलाइन की आवश्यकता है। इस दशक को टिकट बनाना है लक्ष्य। पीएम मोदी ने कहा कि भारत नेशनल साइंस फाउंडेशन के साथ कई परियोजनाओं पर काम कर रहा है और देश का लक्ष्य इस दशक को टिकट बनाना है। पीएम मोदी का स्वागत करते हुए अमेरिका की प्रथम महिला ने कहा कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच साझेदारी गहरी और व्यापक है क्योंकि वे संयुक्त रूप से वैश्विक चुनौतियों से निपटते हैं। पीएम मोदी बुधवार को वाशिंगटन डीसी पहुंचे थे। उनके आगमन पर जॉइंट बेस एंड्रयूज हवाई अड्डे पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।